33, 34, 35. Come on. Hey, Woody, वहाँ और एक है. Hey, कौन हो तुम? सुनो, हम तुमको पे करेंगे और तुम वो करना जो हम चाहें. मंजूर है तुम्हें? पर तुम सब ये क्यों कर रहे हो? सुनो, अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से निकल जाओ. अगर नहीं तो उस लूजर के पास जाओ और तुम्हारा पहला टास्क सुन लो. ठीक है? ठीक है. हाँ, सही में. मेरा नाम सैमुअल है. तुम्हारा? तुम मुझे चार्ल्स बुला सकते हो. चार्ल्स. तो गाइस, हमारे पास आज बम वन और बम टू है. ये नया है. आज रात ये लोग पहली बार गार्बेज सेवी कुछ अच्छा टेस्ट करने वाले हैं, वो भी अपनी जिंदगी में पहली बार. हमारे पास है ताजे बर्गर्स और फ्राइज. चार्ल्स, अब हमें इन बर्गर्स को ऐसे खाना है जैसे कि हमने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया है. पर क्या तुमने पहले ये कभी खाया है? हाँ जरूर, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं हमारी जिंदगी का. ये लोग पे नहीं करेंगे. खाना शुरू करो. नहीं किया तो यकीन मानो, मैंने ये गलती पहले की है. देखो इन दोनों बम्स को, ये लोग जिंदगी में पहली बार नॉर्मल खाना खा रहे हैं. कितने दयालु हैं हम. बेहद स्वादिष्ट. शुक्रिया आप लोगों का. चलो, मुझे लगता है इतना अच्छा खाने के बाद हमें एक प्रॉपर ड्रिंक चाहिए. तो इथन, तुम बॉब के पास जाओ और अपने स्नीकर्स उतारो. रुको, क्या ठीक से पकड़ो. ओ, ये क्या कर रहे हो? मैं बस कॉकटेल बना रहा हूँ हमारे बम्स के लिए. क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर तुमने इस स्नीकर से पी लिया तो तुम्हें 50 बक्स मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ. मेरे दोस्त, ये करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे पैसे चाहिए. तो हेलो एवरीवन, जिसने हमें अभी ज्वाइन किया है, डोंट फरी, ये सारे वॉलंटियर्स हैं और ये सोडा पी रहे हैं एक अच्छे लंच के बाद. चलो अब दूसरा बनाते हैं. चीयर्स. तुम्हें कैसा लगा? मैं कहना चाहूंगा ये बेहद स्वादिष्ट. टेस्टी. इथन, सब ठीक है ना? आशा करता हूँ मेरा पैर ठीक रहेगा कि मुंह लगाने के बाद भी. तो हमें कमेंट्स में बताना कि हमारे हीरोज को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं. और जैसा मैंने वादा किया था, तुम्हारे पैसे. क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम दोनों को 50 बक्स दूंगा? नहीं, तुम में से सिर्फ एक ही को मिलेगा ये पैसा. ठीक है, ओके. अब गाइस, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. तो चलो शुरू करते हैं. ये तुम रख लो. नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, समझ गए? तुम्हें पैसे के लिए लड़ना होगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा. मैं नहीं करूंगा. तुम जरूर करोगे, तुम्हें पैसे चाहिए. मुझे ना पैसे चाहिए मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए. तुम लोग जो बोल रहे हो वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो. एक चीज होता है खुद को हर्ट करना और शर्मिंदा करना, पर दूसरों को, किसी और को तकलीफ पहुँचाना मुझे मंजूर नहीं है. तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो. तुम कल खुद दौड़ते हुए आओगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे ताकि मैं तुम्हें पैसे दे दूं. लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें दोबारा हेल्प करूंगा या नहीं. तो दोबारा सोच लो. तुम सड़क पे रहने वाले इसलिए इतने गरीब होते हो, और ये सही भी है. तुम्हारी बेटी क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? रुको, सुनो, मेरे पास एक बेटर आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम सुनना चाहो तो. और क्या है तुम्हारा आइडिया? ये आइडिया भी नहीं है, एक गेम है. हम एक दूसरे को 3 सवाल पूछेंगे और अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो तुम सैमुअल को 50 बक्स दे दोगे, और अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा. ये बेहद बोरिंग है, मैंने ऐसा बकवास आज तक कभी नहीं सुना. वेल वुडी, हमारा वीडियो यहाँ 5,000 लोग अभी लाइव देख रहे हैं,
क्या 5,000? हाँ। वाओ, इतने सारे तो पहले कभी नहीं आए। हाँ। ठीक है, तो बताओ इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट कौन सा है? ऑस्कर रेस्टोरेंट। और 1,000 व्यूअर्स आए हैं, कमेंट्स में सब तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है क्योंकि तुम वहाँ भीख मांगते हो, है ना? दूसरा सवाल, मैंने कौन से ब्रांड का जैकेट पहना है और इसका प्राइस कितना है? ये बैलेंसिएगा का लास्ट कलेक्शन है और इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1,200। वाओ, इसको पता है। बाय द वे, ये आज हमें पॉपुलर करने वाले हैं। तो तुम्हारा आखिरी सवाल क्या है? ठीक है, टेस्ला मॉडल एक्स का फुल टैंक कैपेसिटी कितनी है? नन। टेस्ला कार का कोई भी फ्यूल टैंक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी। हाँ, ये फेयर है, मेरी बारी। तो ये बताओ कि कितने लोग अपनी ही गलती के कारण आज सड़कों पर आ चुके हैं? लगता है 100? नहीं, लगभग 80% लोग अपनी गलती के वजह से आज सड़कों पर आ चुके हैं। क्या तुम्हें पता है कितने होमलेस लोगों को कॉलेज डिग्री मिलता है? कोई अंदाजा? 0। नहीं, 50%। तुम बोल रहे हो कि आधे होमलेस लोगों के पास एजुकेशन है? सैमुएल, मेरे दोस्त, बताओ कि तुमने किस विषय को लेकर पढ़ा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। और अब मेरा आखिरी सवाल, कौन हूं मैं? तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो? हाँ, तुम वो लूजर हो जिसने अपने गलतियों की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया है। नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है। पापा, क्या तुम्हें पता था? क्या? नहीं नहीं, मिस्टर हिल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा और उसके दोस्त कुछ खराब कर रहे थे। मैंने ऐसे तो तुमको बड़ा नहीं किया था वुडी, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मिलिट्री स्कूल तुम्हारा वेट कर रहा है, और तुम लोग यंग जेंटलमैन, अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करनी होगी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमारे पेरेंट्स को मत बोलिए। कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करता जैसा तुम लोगों ने किया है। पापा, मैं समझा सकता हूँ। सैमुएल, मेरे दोस्त, मेरा नाम है एडगर हिल, और तुम्हारी तकलीफों के बारे में जानकर मुझे सच में बुरा लग रहा है, और आज मेरे बेटे और उसके दोस्तों को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं, और तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि मैं एक काम का बंदोबस्त कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी बेटी का अच्छे से इलाज हो सकता है। पर सर, मुझे नहीं पता कैसे थैंक यू बोलूं। मुझे पता है कैसे कर सकते हो। वादा करो कि हम कल फिर से मिलेंगे और तुम मुझे बताओगे कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, ताकि हम उसका हल निकाल पाए। मैं वादा करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया।